है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव। अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देखें कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हाजीपुर को लेकर के इन दिनों जो है चाचा और भतीजा में जंग चल रही है, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे एनडीए में शामिल होने के बाद, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जिस तरह से वो बात गठबंधन में रह के कर रहे हैं तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं जो है हाजीपुर में चुनाव लड़ने की बात को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं तो गठबंधन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, देखिए इस पूरे वीडियो में। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणा की है। लंबे समय से थोड़ा सा नीचे करने में क्या दिक्कत है? इससे पहले मैं जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया, उस वक्त आप लोगों के यही सवाल थे कि भैया आप किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं या किस गठबंधन में आप जाइएगा। हर बार मैंने इस बात का जवाब दिया कि चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया, मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया, और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहाँ 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके हैं। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो, उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था, और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे, कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते,
आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था, तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ना सिर्फ 24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। चिराग जी, 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 चिराग कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई, किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहाँ पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। पैर छूने से दिल नहीं मिलेगा।